पिछले ब्लॉग में आपको टनल के बारे में बता रहा था ना कि वो पहाड़ खोद के टनल निकाली गई है, ये यहाँ पे है। देखो हल्का सा एक गोल सा गेट टाइप का दिखाई दे रहा है, वो टनल है। इस पहाड़ के पार करके सीधे गोविंद घाट से आगे निकलती है टनल, जेपी गुप्त द्वारा बनाई गई है। मॉर्निंग गाइज, आज सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। एक तो मौसम यहाँ का ठंडा और ऊपर से वो थकान पूरी दूर हो चुकी है ऐसे तो, लेकिन आलस तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि 2-3 घंटे और सो जाऊँ। लेकिन आज वापस जाना है, हमने वापस द्वाराहाट को जाना है। उससे पहले यहाँ पे एक बहुत फेमस टेम्पल है, मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगा। करीब मॉर्निंग के अभी 6 बजे हुए हैं और 7 बजे वहाँ पे होती है पूजा स्टार्ट, तो हम लोग जाएंगे 7 बजे वाली पूजा में। ऐसा मुझे होटल के जो ओनर है उन्होंने बताया कि 7 बजे होती है। चलो नहाता हूँ मैं, उसके बाद फिर जाएंगे मंदिर, फिर आपको दिखाता हूँ उस मंदिर की फेमस। यह जोशी मठ की पूरी मार्केट, यहाँ पे कुछ होटल चला था, हमने यहीं डिनर किया था। अब जा रहे हैं हम उस फेमस टेम्पल की ओर, नरसिंह भगवान का मंदिर। नरसिंह भगवान का मंदिर है। 7 बजे से आरती स्टार्ट होती थी, लेकिन 7 तो हमको यहीं बज गए। सुबह मेरे को हमेशा देर का आता है। करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलना है हम लोग को मंदिर की ओर, लेकिन सामने नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। देखो सामने पीक, हल्की सी बर्फ़ की पीक दिखाई दे रही है, सामने भी पहाड़ पे बर्फ़ गिरी हुई है, इस साइड ऊपर कहीं ओली है और सनराइज हो रहा है उस साइड से। और यहाँ पर भी होटल हैं बहुत सारे खाने के, आज धनतेरस है तो धनतेरस होने की वजह से मार्केट जल्दी खुल रही है। थोड़ा यहाँ का टैक्सी स्टैंड जहाँ से आप जा सकते हैं कहीं भी, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, सब जगह गाड़ी चलती होंगी यहाँ से। ये बसें देखे लगी हैं हरिद्वार के लिए, यहाँ से डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी आपको हरिद्वार के लिए। ये दो दो बस लगी हुई है हरिद्वार के लिए। मार्केट अभी पूरी ढंग से खुला तो नहीं है, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट खुलने लगी है दुकान सारी। यह है पूरी मार्केट जोशी मठ की, जो आता है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और हम लोग पहुंच चुके हैं श्री नव दुर्गा मंदिर, श्री नरसिंह मंदिर प्रवेश द्वार, नटराज चौक, अपर बाजार, जोशी मठ। दूरी 300 मीटर हमको यहाँ से नीचे आना पड़ेगा। वैसे हम लोग बाइक से भी जा सकते थे, लेकिन मंदिर जा रहे हैं तो बाइक से क्या जाना, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी जाएगा और दर्शन भी जाएंगे साइडिंग से। देखिए पूरा नीचे वैली का व्यू, वो नीचे बहती है अलकनंदा, वो नीचे है विष्णुप्रयाग, बहुत नीचे। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं, ये है मंदिर, नीचे लिखा भी है नरसिंह मंदिर। यहाँ कहीं से खरीदना पड़ेगा पहले प्रसाद, उसके बाद जाएंगे मंदिर की ओर। हिमालयन मास्टर चीफ, देखो कितना जबरदस्त लग रहा है, नाराज हो सकता है। ये है देखिए नरसिंह भगवान टेम्पल, पहले उस साइड छोटा टेम्पल था, अभी ये नया बना हुआ है, पूरा टेम्पल नया बना हुआ है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं टेम्पल में, नरसिंह भगवान मंदिर में। सूज यहाँ पे उतारने हैं तो सूज यहाँ पे उतार लेते हैं। यह है पूरा मंदिर परिसर। अभी ये जो टेम्पल है ये नया बना हुआ है, बहुत साल से बना था। इस बार यहाँ मतलब नरसिंह भगवान जी अब स्थापित यहाँ हो गए हैं, पहले जो पुराना टेम्पल था वो उस साइड था। ये पूरा परिसर है और ये चारों ओर इसके सामने ये बड़े बड़े माउंटेन्स। हम लोग आरती होते ही पहुँच गए, जैसे आरती स्टार्ट होना रहती वैसे ही पहुँच गए, करीब 1 घंटा लगा। हाँ 1 घंटे होती है आरती, मॉर्निंग 7 AM से स्टार्ट होती है, 8 AM तक होती है आरती।
जब भी आप बद्रीनाथ जी आए दर्शन करने के लिए तो आप नरसिंह देवता मंदिर जो है दोसीमठ में है यहाँ भी जरूर आना, क्योंकि ये भी एक बद्रीनाथ जी का प्रतीक है और उन्हीं का ही एक रूप है। क्योंकि जब शीतकाल में बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाएंगे तो उनकी जो पूजा होगी इसी मंदिर में होगी। जब मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, नर और नारायण दो आपस में सगे भाई थे। नारायण जी अलकनंदा पार करके तपस्या की थी उन्होंने, और नर तपस्या ने नदी पार नहीं कर पाए तो वो तपस्या उन्होंने इस साइड की। तो जो नारायण जी की पूजा होती है बद्रीनाथ जी में, और जो नर जी हैं उनकी पूजा होती है यहाँ जोशीमठ में नरसिंह भगवान मंदिर में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले कि ऐसे भी कुछ मंदिर हैं यहाँ पर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।